सिद्धि विनायक में, इनका नाम सिद्धि है, मेरा नाम विनायक है, और दोनों बॉम्बे के रहने वाले हैं। मैं पंजाब से आया हूँ, गुरदासपुर से, ये मराठी फैमिली से हैं। और जो मेरे फादर हैं वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं सीरियल में, वो चाहते हैं कि मैं एक सुपरस्टार बनूं, तो उसके लिए सुपरस्टार बनने के लिए एक अच्छी बॉडी और अच्छा डांस आना चाहिए। डांस मुझे बिल्कुल नहीं आता, वो सिद्धि सिखाती है और अपने टशन में सिखाती है, जिसका टशन मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। जो आपसी फाइटिंग होती है वो आपको देखने को मिलेगी सिद्धि विनायक में। स्टोरी की बात करें तो बचपन का प्यार आगे जाके नफरत में बदल जाता है, तो इसकी क्या वजह? वो आपको सीरियल देखना पड़ेगा वो आपको सीरियल देखना पड़ेगा, वो वजह नहीं बता सकते हम लोग। दैट्स द मतलब वही तो पूरा क्रक्स है, उसी की वजह से तो हमारी नफरत शुरू होगी, और वो क्यों शुरू होगी वो आप देखिएगा मंडे टू फ्राइडे 9 PM ओनली ऑन आईटी। For me, it was different from other shows. Backdrop dancer ki story hai, which has never been seen on TV. So different tha, aur jo ye ek backdrop dancer ka struggle hota hai, uski life kaisi hoti hai, ye sab aapko dekhne ko milega. So this was kind of interesting for me. So that is why I've taken up. And mere producer ne bola ki yaar, tujhe kuch nahi karna, tu Vinayak wala character hai, tu jaisa hai tujhe waise hi perform karna hai. To हाँ, इसको कम मेहनत है, मुझे ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही है जैसा ये विनायक दिखा रहे हैं। नेहा, कितनी ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना पड़ा इस कैरेक्टर? मुझे सी वी डिडंट गेट मच ऑफ टाइम, हम जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद हमने वर्कशॉप्स किए फॉर दी कैरेक्टर और सबके साथ बैठ के, और उसके बाद इमीडिएटली वी स्टार्टेड शूटिंग ऑन गणेश चतुर्थी। तो ड्यूरिंग द शूट वी आर सिटिंग डूइंग द सीन्स टुगेदर, वर्किंग ऑन द सीन्स, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर किसके साथ कैसे बात करेगा, कैसे बिहेव करेगा। सो वी आर स्टिल मेकिंग द ग्राफ ऑफ एवरी कैरेक्टर इन द शो। ज़रूर देखिए हमारा शो, बहुत अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सिद्धि और विनायक की जो हेट स्टोरी है वो प्यार में बदलेगी कि नहीं बदलेगी, वो आप सीरियल देखना तो पता चलेगा आपको। एंड बट सीरियसली, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है।